फैमिली मीन्स देखो तो क्या दिया हुआ है, वो स्क्रीन पे दो यार, स्पाउस चिल्ड्रन, बस फैमिली मीन्स स्पाउस चिल्ड्रन। फिर यहाँ इट इंक्लूड्स ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे आर डिपेंडेंट। तो बताओ ब्रदर रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है? तो भैया जी ब्रदर रिलेटेड पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो वो मेरा रिलेटेड पर्सन है, और यदि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। अच्छा बताओ लड़का रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है? मेरा सन, तो आंसर इज सन, तो पतला रिलेटेड पर्सन है। देखो कितना क्लमजी डेफिनेशन है, सन तो इसका हमेशा रिलेटेड पर्सन है, परंतु फादर इसका रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है क्वेश्चन मार्क। मेरे पापा के लिए मैं रिलेटेड पर्सन हूं, लेकिन मेरे लिए पापा रिलेटेड पर्सन है आई डाउट, आई हैव अ क्वेश्चन मार्क। यार कैसा धंधा बेटा है तू, अपने पापा के लिए ऐसे बोलता है रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है? लॉ ही बोल रहा है भाई, लॉ बोल रहा है बेटे के लिए उसका बाप रिलेटेड पर्सन तभी माना जाएगा जब वो उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। तो सिंस मेरे पापा की भी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है उसमें बहुत अच्छी इनकम दिखती है, तो ही इज नॉट माई रिलेटेड पर्सन। तो मेरे पापा इज ऑलमोस्ट हैंडी टैप हो चुके, वो तो वो रिलेटेड पर्सन है, मेरे ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, लेकिन फाइनेंशियली इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, पैसा उन्होंने बहुत कमाया। तो लॉ बोलता है कि मुंद्रा जी आपके पापा की इनकम तो अच्छी खासी है ही, तो वो आपके रिलेटेड पर्सन नहीं है। बात क्लियर? ये ऐसी डेफिनेशन है, बात क्लियर? अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए मैंने जबरदस्त माता पची दी, तो मैंने एक ऐसा चेहरा बनाया, तुम भी शायद ऐसा बना सकते हो, ट्राई करना तुम्हें बनाने का। बोलो बन जाएगा ऐसा चेहरा तुमसे? हाँ सर इसमें क्या, तो नौता तेरा है। अच्छा फिर ऐसे कान बना लो रे। हाँ सर इसमें कान बना ले, क्या है क्या बच्चे से बातें कर। अच्छा ऐसे दो छुट्टी बना दो रे। क्या सर, तो बस एक काम एक्स्ट्रा कर लेना, इतना तो तुम जानती हो, मैं तुम्हें नया चीज ये सिखा देता हूँ, ये चेहरा बना दो रे। मैंने तुम्हें बोला ना मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा बताओ ये क्लियर है? अच्छा भाई वापस से बनाना, पहले एक घेरा बनाओ। कुछ लोग इस घेरे के अंदर है, कुछ लोग इस घेरे के बाहर है। जो घेरे के अंदर है वो होते हैं मींस, मींस मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वी आर फैमिली मींस। अब जो घेरे के बाहर है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन व्हाट। तो ये हो जाए मेरे भाई, मेरे बहन, ये हो जाए मेरे मम्मी, ये हो जाए मेरे पापा, ऊपर जा रहा है हा, एंड दद्दा दद्दी हो जाए रिलेटिव की डेफिनेशन। ऐसा मजा आया इसमें, याद हुआ? रिलेटिव में क्या तो है, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स का तब अलग ही आर्ट है यार ये तो, नहीं? ओके अब वापस आते हैं। अब इसी डेफिनेशन याद करानी है 249, तो 2 तो याद रहता ही है, अब 49 याद कराता हूँ। चार, इसमें चार जनरेशन का वर्ड है, मैं, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरे ग्रैंड पापा, चार जनरेशन इसमें कवर्ड है, और इसमें 9 लोग कवर्ड है। चेक इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 249 अलग ही आर्ट। बड़े प्यार से तो इंसान शिद्दत से बैठता ना जी, मैं तो अपने बच्चे को याद कराना है तो ऐसे बना पाता है, रेयर, आई एम वन ऑफ द यूनिक पर्सन। नहीं कोई इतनी, कोई नहीं मेरे जैसा, तो बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं भाई हम लोग। हाँ रिलेटिव मतलब, अरे कहाँ मम्मी पापा जा रहे हैं, रिलेटिव मतलब इट मींस, अब फॉर्मल लैंग्वेज में इट मींस स्पाउस चिल्ड्रन एंड इट इंक्लूड्स ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे आर डिपेंडेंट।